बुलियन मार्केट में एक बार फिर से चमक लौट आई है। जिस तरह से एसवीवी का संकट बढ़ा है यूएस में, उसके बाद से यहाँ पर सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड और सिल्वर की बाइंग वापस से शुरू हो गई। आज की शुरुआत देखते हैं किस तरह की शुरुआत हुई है। 440 रुपए ऊपर एमसीएक्स पर सोना कारोबार कर रहा है, 56,600 रुपए के करीब शुरुआती कारोबार में। चांदी की शुरुआती चाल देखिए, करीब करीब 700 रुपए की नहीं 800 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है। 63,700 रुपए के ऊपर चांदी पहुंच चुकी है शुरुआती कारोबार में ही एमसीएक्स पर। क्रूड की चाल देखिए, क्रूड हालांकि आज सुस्त है, दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन 6,300 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर क्रूड बना हुआ है। नॉन एग्री में और बाकी काउंटर्स की चाल अगर आप देखें तो कॉपर करीब करीब 1% ऊपर है 760 रुपए के आसपास। जिंक में 0.5% की तेजी है 260 रुपए के ऊपर। लेड और एल्युमिनियम में भी 0.25% तक की तेजी दिख रही है। लेकिन नेचुरल गैस दायरे में कारोबार, हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है 202 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस। एग्री मार्केट की चाल देखिए, जीरा हल्की गिरावट यहां पर 30,500 रुपए के आसपास। ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ही काउंटर पर 0.5% से 1% तक की गिरावट दिख रही है। मसालों में टर्मरिक 0.25% तक की गिरावट यहां पर भी दिख रही है। कुछ शुरुआती टिक्स है, लेकिन आज पूरा एक्शन बुलियन मार्केट में होने वाला है। गोल्ड और सिल्वर में वापस से चमक लौट आई है। ये चमक कितनी बढ़ने वाली है, क्या करना चाहिए, कितनी तेजी यहां से और दिख रही है, सब कुछ बताएंगे 11:30 पर मुनाफे की मंडी में।